नमस्कार, मैं सिमरनजीत सिंह बिहारी न्यूज से। एक बार मैं फिर हाजिर हूँ बिहार की सियासी फिजाओं में चल रहे कुछ किस्सों को लेकर। बिहार में सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन एनडीए और राजद कांग्रेस के गठबंधन यूपीए यानी महागठबंधन के बीच है। लेकिन दोनों गठबंधनों में बहुत सारी चीजें अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है। जैसे कि एनडीए में चिराग पासवान यानी उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, यह विपरीत रुख दिखा रही है। जहां भाजपा और जदयू के बीच तालमेल को लेकर कोई परेशानी दिखाई नहीं देती, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच तलवारें खींची हुई हैं। चिराग पासवान मानने का नाम नहीं ले रहे। इधर यूपीए की बात कर लें तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के अध्यक्ष और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की अपनी एक अलग कहानी है। वो लगातार स्टीयरिंग कमेटी की मांग को लेकर के अपने महागठबंधन पर लगातार मुखर हैं, हमलावर हैं। राष्ट्रीय जनता दल ये जीतन राम मांझी के मांगों को भाव नहीं दे रहा है, हालांकि कांग्रेस इसमें बीच बचाव कर रही है। लेकिन लोजपा और हम सेक्युलर, ये दोनों पार्टियां इस तरीके से अपने अपने गठबंधन के साथ क्यों कर रही हैं? अगर हम इसके बारे में जाने तो इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो है सीटों का लफड़ा। सीटों का टेंशन कम होने का नाम किसी भी गठबंधन में नहीं ले रहा। सबको ज्यादा सीटें चाहिए। पिछली बार यानी कि 2015 के विधानसभा चुनाव में माहौल ऐसा रहा कि कई पार्टियां ज्यादा सीटों पर लड़के कम सीटें लाई और कई पार्टियों ने कम सीटें लड़ करके ज्यादा सीट हासिल कर ली। जैसे हम बात करें राजद की, तो जहां उनके उसके पहले 23 एमएलए थे तो 23 से सीधे उनके 81 एमएलए हो गए। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के 4 से सीधे 27 एमएलए हो गए, जबकि जदयू की सरकार बनने के बावजूद उनके विधायकों की संख्या काफी कम हुई। और उधर भारतीय जनता पार्टी भी महज 53 सीटों पर सिमट गई। बात करें लोक जनशक्ति पार्टी की तो इनको 2 सीटें आई, रालोसपा को भी 1-2 सीटें आई और जीतन राम मांझी को सिर्फ 1 सीटें आई। लेकिन अब गठबंधन की सूरत अलग है, जो इधर थे वो उधर हैं, जो वो उधर थे वो इधर आ गए हैं। लेकिन सीटों का पेच सुलझने का नाम नहीं ले रहा। चिराग पासवान को कम से कम 43 सीटें चाहिए एनडीए में। नीतीश कुमार ये देने को सहमत होते दिखाई न देते और नहीं ऐसा कोई दृश्य दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात कर ले हम महागठबंधन यानी यूपीए की, तो राष्ट्रीय जनता दल अकेले 150 सीटों पर लड़ना चाहता है। अब बाकी सीटों पर वो किनको समायोजित करे ये वो खुद नहीं समझना चाहते या समझा नहीं पा रहे। जीतन राम मांझी की महत्वाकांक्षा बड़ी है। वो पहले स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन बनना चाहते हैं, फिर सीटों का टेंशन उनके साथ हो जाता है। हालांकि जीतन राम मांझी ने अपनी हैसियत से ज़्यादा ही महागठबंधन में कुछ ना कुछ पाया है। जैसे उन्हें लोकसभा की सीटें भी आवश्यकता से अधिक गठबंधन में दी गई। उनके पुत्र संतोष कुमार सुमन को आरजेडी ने अपने कोटे से एमएलसी बनाया। तो इन दोनों पार्टियों में यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, ये दोनों अपने अपने गठबंधन के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं और मामला सीटों पर फंसता दिखाई दे रहा है। मैं एक बार फिर से बताऊं आपको कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में भी नए तरीके से नए सिरे से गठबंधन होगा, क्योंकि पिछले चुनाव का गठबंधन थोड़ा अलग था। लेकिन भाजपा और जदयू के गठबंधन में कोई परेशानी, कोई सीट शेयरिंग में प्रॉब्लम होता दिखाई नहीं देता। ठीक वैसे ही राजद और कांग्रेस में भी सीट शेयरिंग को लेकर के कोई विवाद आपको होता दिखेगा नहीं। लेकिन बाकी जो बची हुई सीटें हैं और जो बची हुई पार्टियां हैं, उनको लेकर के आने वाले दिनों में और सारे मामलात आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल एनडीए के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को संभालना और उन्हें संतुष्ट करना। और वहीं महागठबंधन के सामने भी सबसे बड़ी समस्या होगी जीतन राम मांझी को संतुष्ट करना। लेकिन जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जो नजारा दिख रहा है, ऐसा नहीं लगता कि राष्ट्रीय जनता दल जीतन राम मांझी को संतुष्ट किया साथ भी रखना चाहता है।